और 1930 में उनकी मृत्यु हुई थी। द पोएम इज अबाउट द नाइटिंगेल्स, द बर्ड्स, जो पक्षी नाइटिंगेल्स होते हैं, बुलबुले, बुलबुल देखा है? यस सर। तो उन्हीं के बारे में है द पोएट लिसेंस द चर्पिंग आर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द नाइटिंगेल्स। ही अट्रैक्टेड मच टू देम आफ्टर लिसनिंग द स्वीट सॉन्ग। कवि को जो है बुलबुलों का गीत सुनाई पड़ता है और उनकी ओर उनको गीत के प्रति आकर्षित होता है। द पोएट्स थिंग्स, कवि सोचता है कि ये बुलबुलें कितना अच्छा गाती हैं, एंड ही इमेजिन्स, और वो कल्पना करता है कि ये जहाँ पर रहती होंगी वह स्थान बहुत सुंदर होंगे, जहाँ पर इन्होंने वो गीत सीखे हैं वो बहुत अच्छे होंगे, वहाँ पर सुंदर पहाड़ियाँ होंगी, झरने होंगे और पेड़ लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उन पेड़ों में फल लगे होंगे, पौधों में फूल लगे होंगे, ऐसा जो है वो सोचता है, कल्पना करता है। एंड ही विशेस टू गो देयर, टू विजिट देयर, वो वहाँ जाना चाहता है, देखना चाहता है उस स्थान को जहाँ पर वो बुलबुले रहती हैं। इसलिए वो पूछता है उनसे, उनसे प्रश्न करता है कि आपने ये सुंदर गीत कहाँ से सीखे हैं, आप कहाँ रहती हैं और ये सुंदर गीत कहाँ से सीखे हैं। प्लीज सी, ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन्स व्हेन सी कम एंड ब्राइट इन द फ्रूटफुल वैलीज द स्ट्रीम्स वेयर फ्रॉम यू लर्न योर सॉन्ग। Where are those starry woods? Oh, might I wander there among the flowers which in the heavenly air bloom the year long? Beautiful must be the mountains. सुंदर होंगे पहाड़ वे। Where फैंस का फ्राम where हो जाएगा, ई मतलब यू, वाई ई को बोल चाल भाषा में बोलते हैं, ई बोलते रहे होंगे, वहाँ पर सिर्फ ई प्रयोग किया है, बट इट इज यू, लेकिन ये तो यू है। Whence mean from where? Beautiful must be the mountains, वे पहाड़ बहुत सुंदर होंगे जहाँ से आप लोग आती हैं। And bright in the fruitful valleys the stream. And bright, और चमकीले हो, चमकीला होगा वातावरण वहाँ का जो है, वहाँ की नदियों का, वहाँ की जलधाराओं का वातावरण बहुत चमकीला होगा, अर्थात वहाँ पर सूर्य की रोशनी चमक पड़ती होगी तो वो जल बहुत चमकता होगा, स्वच्छ जल होगा, चमकदार होगा। फ्रूटफुल वैलीज, द वैलीज वुड बी फिल्ड विद द ट्रीज एंड प्लांट्स, घाटियाँ सुंदर पेड़ों से और पौधों से भरी होंगी और उन पौधों में सुंदर फूल लगे होंगे और पेड़ों पर सुंदर फल लगे होंगे। वेयर फ्रॉम यू लर्न योर सॉन्ग, जहाँ पर आपने ये गीत सीखे हैं, क्योंकि तुम्हारे गीत इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि आप अच्छे वातावरण में रहती हैं। प्लीज सी अगेन, इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट सीज द एंड लिसन द म्यूट सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल्स। ही थिंक्स दैट द माउंटेन्स फ्रॉम दे कम दोज माउंटेन्स मस्ट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो पहाड़ बहुत सुंदर होंगे जहाँ से वे आती हैं। And the rivers and streams, the water of the rivers and streams would be clean and bright when the sun rays falls on it, and the trees and plants are filled in the valleys, and on the trees there would be fruits and the flowers on the plants, and because these nightingales sang very sweet song, so they learned the songs of in that area, that the surroundings.
इसलिए जो कभी सोचता है कि इनके गीत में अच्छे हैं, ये ऐसे ही वातावरण में अपने गीत सीखे होंगे, इसलिए उनके गीत बहुत सुंदर हैं। नाउ द पोएट वांट टू विजिट देयर, अब कभी वहाँ जाना चाहता है, सो आस्क देम, इसलिए पूछता है वेयर आर द दोज फॉरेस्ट, वेयर आर दोज स्टेरी वुड्स, वुड्स मीन फॉरेस्ट, जंगल, जंगल, वे जंगल कहाँ हैं, ऑन दोज फॉरेस्ट देयर आर स्टार्स इन द नाइट, जिन जंगलों के ऊपर रात में जो है तारे टिमटिमाते हैं, अर्थात रात में उन जंगलों के ऊपर तारे टिमटिमा दिखाई पड़ते हैं, और वो कभी वहाँ जाना चाहता है, सो आस्क्ड हिम कि वेयर आर दोज फॉरेस्ट, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो देयर, ही वॉन्टेड टू वंडर देयर, ही वॉन्टेड टू सी द चार्मिंग साइट ऑफ देयर, वहाँ के प्राकृतिक दृश्य को देखना चाहता है, सो आस्क्ड द नाइटिंगेल्स दैट वेयर आर दी माउंटेन्स वेयर दे लर्न दियर सॉन्ग्स, वे जंगल कहाँ हैं, पहाड़ कहाँ हैं, जहाँ पर उन्होंने गीत सीखे हैं, एमंग द फ्लावर्स, दे द पोएट इमेजिन्स दैट द नाइटिंगेल्स लर्न दियर सॉन्ग्स इन द मिडिल ऑफ द चार्मिंग साइट ऑफ द फ्लावर्स, कभी कल्पना करता है कि जो पक्षी नाइटिंगेल्स हैं वे अपने बीच जो हैं फूलों के, अपने गीत जो हैं फूलों के सुगंध के बीच में सीखे होंगे, फिर इन द हिमली एयर, जहाँ पर जो है स्वर्ग की वायु, सुगंध से भरी हुई वायु बहती है, ब्लूम द ईयर लॉन्ग, मैंने पूरे वर्ष भर, इन ऑल द सीजन्स, इन ऑल द ईयर, इन दैट प्लेसेस द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग देयर एंड देयर दी ब्लोविंग द एयर फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, वहाँ पर जो है सुगंध से भरी हुई हवा चलती रहती है, और जो है पूरे वर्ष भर जो है वहाँ ऐसा ही सुखद वातावरण बना रहता है, सो द पोएट वॉन्टेड टू गो देयर एंड सो ही आस्क देम वेयर दे लिव एंड वेयर दे लर्न दियर सॉन्ग्स, इसलिए वो पूछता है कि आप कहाँ रहती हैं, किन जंगलों में रहती हैं, कहाँ पर आपने गीत सीखा है। सेकंड स्टेंजा, नहीं नाइटिंगेल्स एंसर्स, नाइटिंगेल्स एंसर इन दिस लाइन्स, इन कविता, इन पंक्तियों में बुलबुलें उत्तर देती, नहीं योर गेस इज नॉट राइट, तुम्हारा अनुमान सही नहीं है, योर इमेजिनेशन इज नॉट राइट, तुम्हारा कल्पना सही नहीं है, बिकॉज क्योंकि बैरन आर दोज माउंटेन्स, वे पहाड़ तो बैरन हैं, बंजर हैं, देयर आर नो ट्रीज ऑन दोज माउंटेन्स वेयर दे लिव, वे पहाड़ बंजर हैं, वीरान हैं जहाँ पर वह रहती हैं, एंड स्पेंट द स्ट्रीम्स, और जलधाराएं भी सूखी हुई हैं, देयर इज नो वाटर इन द रिवर्स एंड स्ट्रीम दैट आर सिचुएटेड देयर, जो नदी जलधाराएं वहाँ स्थित हैं उनमें कोई जल नहीं है, एंड आवर सॉन्ग इज द वॉइस ऑफ डिजायर, एंड बिकॉज दियर स्वीट आर दियर सॉन्ग्स आर सो स्वीट बिकॉज दीज आर दी डिजायर्स ऑफ दियर हार्ट, दियर अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ दियर हार्ट, और उनके गीत इसलिए इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं कि ये गीत जो है उनके अपूर्ण इच्छाएँ हैं, अपूर्ण कल्पनाएँ हैं, दैट हांट्स आवर ड्रीम्स, जो हमेशा उनके मन में बने रहते हैं, हांट्स में बने रहना, हमेशा जो है टिके रहना उनकी कल्पनाओं में, अपने सुन के सपनों में, थ्रू ऑफ द हार्ट, ये दिल की वेदनाएँ हैं, दियर सॉन्ग्स आर द एगोनी ऑफ दियर हार्ट, सफरिंग्स ऑफ दियर हार्ट, उनके जो गीत हैं वो उनकी दिल की पीड़ा है, वेदना है, एंड हुज पाइजन विजन डिम्स, एंड दीज विजन्स आई कैन कुड नॉट बी फील्ड देयर फॉरबिडन फोर्स प्रोफाउंड दो दे होप्स मच इन हिज लाइफ इन दियर लाइफ बट दीज होप्स आर अनफुलफिल्ड दीज होर आर फॉरबिडन टू फिल, ये आशाएँ उनकी पूरी होने से वंचित हैं, अर्थात उनकी आशाएँ जो ज़िंदगी में देखा है वो कभी पूरी नहीं हुई हैं, उनके जो कल्पनाएँ हैं, जो उनकी दिल की वेदनाएँ हैं, वह व्यक्त करती हैं इन गीतों के माध्यम से, नो डाइंग कैंडेंस ना लॉन्ग साई कैन स्टैंड कैन साउंड फॉर ऑल आवर आर्ट, नो डाइंग कैंडेंस नार लॉन्ग साई कैन साउंड फॉर ऑल आवर आर्ट,
अपनी कला के बावजूद भी, बिकॉज द पोएट सेज नाइटिंगेल्स एंसर्स दैट दो दे आर वेरी आर्टिस्ट इन सिंगिंग, यद्यप गाने में बहुत कलाकार हैं, बट दियर सफरिंग्स एंड दियर एगोनी आर सो मच दैट फेस्ट इन दियर लाइफ, लेकिन जो पीड़ा जो कष्ट उन्होंने अपनी जिंदगी में उठाया है, व्हाट डीम्स एंड व्हाट एक्सप्रेशन ही दे सीज इन दियर लाइफ, जो कल्पनाएं जो आशाएं उन्होंने जिंदगी में किया है दैट आर अनफुलफिल्ड एंड आफ्टर सिंगिंग द सॉन्ग्स आर आफ्टर बीपिंग दे कैन नाट दोज फॉरबिडन डिजायर्स, उन अपूर्ण इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, यद्यपि गाने में बहुत कुशल हैं फिर भी जो है ना वो रो करके और ना ही गा करके उन अपूर्ण इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दीज आर दीज वॉइस आर द साउंड ऑफ दियर एगोनी ऑफ दियर हार्ट, क्योंकि ये जो आवाज़ निकलती हैं उनकी दिल की वेदनाएँ हैं, उनकी दिल की जो है चिंताएँ हैं, उनके दिल के कष्ट हैं, सो जो है दियर सॉन्ग्स आर सो स्वीट, इसलिए उनके गीत ने सुंदर है। प्लीज सी हिंदी ट्रांसलेशन, देखिए हिंदी देख लीजिए, इसका हिंदी अनुवाद पोएम में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन्स व्हेन शी कम, सुंदर होंगे वे पहाड़ जहाँ से वह तुम आती हो, आती हो जहाँ से सुंदर होंगे वे पहाड़ अति, आती हो जहाँ से सुंदर होंगे वे पहाड़ अति, सरिता की रम्यता को कहा कौन पाएगा, लदे होंगे फल वृक्ष फूले हैं सुमन जहाँ, धारा की उमंग देख मन में जो भाएगा, कानन कहाँ हैं जहाँ बिखरे हुए हैं तारे, फूलों की सुगंध वायु कौन बतलाएगा, ओ मोहने कुमन मेरे सीखा है जहाँ से गीत, मोहने कुमन मेरे सीखा है जहाँ से गीत, देखने पे दिल मेरा दंग रह जाएगा। नाउ द नाइटिंगेल्स आंसर, अब बुलबुलें उत्तर देती हैं, नहीं योर गेस इज रॉन्ग, तुम्हारा अनुमान गलत है, बैरन आर दोज माउंटेन्स, वो पहाड़ वीरान है, एंड स्पेंट द स्ट्रीम्स, वहाँ की नदियों की जलधाराएँ सूख गई हैं, और मेरे गीत इसलिए इतने अच्छे हैं इतने सुंदर हैं क्योंकि वे हृदय की अपूर्ण इच्छाएं हैं, हृदय की वेदना है। नाउ द नाइटिंगेल्स आंसर, सूखी सब नदियां हैं बंजर पहाड़ वहां, सूखी सब नदियां हैं बंजर पहाड़ वहां, वृक्ष फल फूलों की सुगंधी नहीं छाई है, मन की उमंगे जो अधूरी बनी पूरी नहीं, वेदना के स्वर हैं जो गीत मैंने गाई है, मन में बेथा है छाई बनते मधुर स्वर, पूरी नहीं लालसाएं दिल में समाई हैं, ओ गाने में कुशल हम रोने में विफल बने, सारी बेथा मन दिल की वे मन में समाई हैं, राने में गाने में कुशल हम रोने में विफल बने, सारी बेथा दिल की वे मन में समाई हैं, दो दियर सॉन्ग्स आर सो ब्यूटीफुल बिकॉज दियर सॉन्ग्स आर दी एगोनी ऑफ दियर हार्ट, एगोनी माने पीड़ा, थ्रो प्रयोग किया है थ्रो ऑफ दी हार्ट, माने एगोनी ऑफ दियर हार्ट, उनके गीत इतने इसलिए सुंदर हैं कि वो अपूर्ण इच्छाएं हैं, द पोएट है सिंबोलाइज हियर द मैंस टू द नाइटिंगेल्स इन दिस पोएम, कवि ने कविता में नाइटिंगेल्स को मानो मान करके आदमी मान करके यहाँ पर वर्णन किया है, बिकॉज दियर आर मैनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ द मैन, द मैन सीज मैनी एक्सप्रेशंस इन लाइफ, बस दोज एक्सप्रेशंस एंड द ड्रीम्स आर नॉट फुलफिल्ड इन लाइफ, मनुष्य जो बहुत सी कल्पना करता है बहुत सी स्वप्न देखता है आगे बढ़ने के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन उसकी अधिकांश इच्छाएँ अपूर्ण रह जाती हैं, इस प्रकार से नाइटिंगेल्स के माध्यम से जो है कभी यहाँ पर वर्णन किया है, जैसे आप कल्पना करते हैं आपके पेरेंट्स कल्पना करते होंगे तुम्हारे लिए जो है कि हमारा लड़का स्कूल जाता है, कुछ कल्पना करता होगा ना, कुछ सोचता होगा ना, क्या सोचता होगा वो, क्या पढ़ेगा मेरा बेटा जो है आगे चल करके सुखी होगा, सुखी देखना चाहता है, और वो उन्नत करेगा अच्छे आचरण सीखेगा आने अच्छी नौकरी पाएगा जो है, लेकिन उसकी इच्छाएँ भी पूरी होती क्या, नहीं पूरी होती ना, तो अपूर्ण इच्छाएँ जिंदगी में ज़्यादा होती हैं जिसके कारण मानव को कष्ट होता है,
एंड सो कवि ने जो है यहाँ पर नाइटिंगेल्स का बहाना लिया है और मनुष्य की अनफुलफिल डिजायर का वर्णन किया है। देखिए कुछ लाइनें पंक्तियाँ देखिए तुम्हारे माता पिता क्या चाहते हैं तुमसे, देखिए उसी से तालमेल करके कविता लिखी गई है। माता वहीं सोचते पिता भी वहीं सोचते हैं, बेटे मेरे कॉलेज को पढ़ने को जाते हैं, मौसम के शीत घाम झेलते हैं जाके वहाँ, करते विकास ज्ञान अपना बढ़ाते हैं, मिलेगी तो मिलेगी सफलता उन्हें होंगी खुशी दिल मेरे, मन की उमंगे ऐसे सपने जो आते हैं, वो सुख व समृद्ध भरा जीवन मिलेगा उन्हें, ऐसी सोच आशा भरी मन में सजाते हैं। क्या सोचते हैं कि उनको आगे ज़िंदगी उनकी भविष्य जो उनका सुखी होगा, वो सर्विस करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अपने बच्चों को पाल पोषण करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, इस प्रकार से एस्पिरेशन ले करके आपको कॉलेज भेजते हैं और देखते हैं यहाँ पर बच्चा जो उनका कष्ट उठाता है, तो इस प्रकार से वो आशा करते हैं, लेकिन परिणाम क्या निकलता है? परिणाम किसी किसी अच्छा निकलता है, किसी का बुरा निकलता है। जिसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, जिसकी कल्पनाएं पूरी होती हैं, वो तो सुख अनुभव करता है, और जिसकी इच्छाएं अपूर्ण हो जाती हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से नाइटिंगेल्स की इच्छाएं अपूर्ण हैं। उन्नति शिखर चढ़े पूरी हुई लालसाएं, जिन माता पिता की इच्छाएं पूरी होती, उनकी उमंगें जो पूरी होती, उनकी कल्पनाएं पूर्ण होती हैं, तो क्या अनुभव करते हैं? उन्नति शिखर चढ़े पूरी हुई लालसाएं, फूले न समाए लाल जिनके सफल हुए, मन की उमंगे वे अधूरी की अधूरी बनी, गंदी आदतों से लाल जिनके विफल हुए। लेकिन यहाँ क्या होता है, कुछ तो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अधिकांश देखिए इसमें आधे उपस्थित हैं, आधे से कम ही उपस्थित हैं ना तुम्हारे यहाँ, आधे कुछ क्या सड़क पर घूम रहे होंगे, तो क्या इच्छा पूरी करेंगे? वहीं अंत में क्या माता पिता पाएंगे? निराशा पाएंगे, कष्ट पाएंगे। तो वह पूरी हुई लालसाएं, फूले न समाए लाल जिनके सफल हुए, मन की उमंगे जो अधूरी की अधूरी बनी, गंदी आदतों से लाल जिनके विफल हुए, समय को गंवाया ऐसे गंदी संगतों में रहे, समय को गंवाया ऐसे याद न किसी विषय का इंटरेस्ट फल हुए, मन की उमंगे सब अधूरी की अधूरी बनी, गंदी आदतों से लाल जिनके विफल हुए। तो अंत में परिणाम नहीं निकलता है, जो बच्चे पढ़ते हैं अपने माता पिता की इच्छाओं को ध्यान करके जो है वो मेहनत करते हैं, तो उनकी माता पिता की इच्छा पूरी होती है, उनके सब पूरे होते हैं और सुख अनुभव करते हैं। लेकिन जब तुम जो है वही समय का दुरुपयोग करते हो, बुरी संगत में पढ़ करके जो है आप समय का दुरुपयोग करते हो, फेल होते हो, कोई कुछ कर नहीं पाते भविष्य में, तो उनको कितनी आशाएँ उनकी निराशा बदल जाती हैं और कितनी उमंगे उनकी अधूरी रह जाती हैं। इस प्रकार से वे हमेशा दुख का ही अनुभव करते, उसी प्रकार जिस प्रकार नाइटिंगेल्स होते हैं। प्लीज सी अदर लाइंस, नेक्स्ट चंद देखिए, देखिए नेक्स्ट स्टेंजा लास्ट। एलोन अलाउड इन द रैप्चर्ड ईयर ऑफ मेन, नाइटिंगेल सेज अलोन अकेले, देयर आर ओनली द नाइटिंगेल्स इन द नाइट दैट सिंग्स, रात में केवल बुलबुलें गाती हैं, देयर आर नो अदर बर्ड्स इन द नाइट टू सिंग, रात में गाने वाले कोई पक्षी नहीं होते हैं, अलाउड माने तेजी से तेज आवाज में, अलोन दे सिंग्स अलोन इन द नाइट इन द लाउड वॉइस, तेज आवाज में वो रात में गाते हैं, इन द रैप्चर्ड ईयर ऑफ मेन, द मेन लिसन्स द स्वीट सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल्स एंड अट्रैक्टेड टू लिसन देम, उनकी ओर आकर्षित होता है उनके मंत्रमुग्ध गाने को सुन करके, वी प्योर आवर डार्क नाक चैनल सीक्रेट, हम जो है रहस्य से भरे हुए गीतों को जो है मनुष्य के कानों में उड़ेलते रहते हैं। बुलबुलें कहती हैं कि रात के समय हम लोग जो हैं अकेले गाते रहते हैं, अन्य कोई पक्षी गाता नहीं है, और रहस्य से भरे हुए जो गीत हैं मनुष्यों के कान में उड़ेलते रहते हैं। एंड देन, और तब क्या होता है, एज नाइट इज विड्रॉन, जब रात विड्रा हो जाती है, वापस चली जाती है, रात्र की समाप्ति हो जाती है, अर्थात सूरज निकलता है या सुबह हो जाती है, फ्रॉम दी स्वीट स्प्रिंगिंग मीड्स, और प्रातःकाल होता है और इन घास के मैदानों में या बाटिकाओं में जो हैं सुंदर फल फूल दिखाई पड़ने लगते हैं, एंड ब्रस्टिंग बाउज ऑफ मई में, और मई के महीनों में जो है पेड़ की शाखाएं फलों से लद जाती हैं, उन शाखाओं पर जो शाखाएं दिखाई पड़ने लगती हैं, डीम
द नाइटिंगेल्स बिगेन टू ड्रीम अगेन, और पुनः जो है पक्षी नाइटिंगेल्स पक्षी जो है अपने उन्हीं दिवा स्वप्न में खो जाते हैं। क्वाइल लाइन नंबरेबल क्वायर ऑफ डे, जबकि असंख्य संख्या में जो है अन्य पक्षी आ जाते हैं, वे समेत सुर में जो है गीत गाते हैं, कलरों करते हैं, वेलकम द डॉन, और इस प्रकार से हजारों संख्या में जो है अन्य पक्षी आते हैं और डॉन का मूसाकाल का वेलकम करने लगते हैं अपनी आवाज़ से, चर्पिंग की आवाज़ से, अपने कलरों से जो है पूरे वातावरण को जो है वातावरण को भर देते हैं, मानो वे दिन का स्वागत कर रहे होते हैं या उषा काल का स्वागत कर रहे होते हैं। जबकि नाइटिंगेल्स जो है पुनः सो जाते हैं और पुनः स्वप्न दिवास्वप्न देखने लगते हैं, अर्थात पुनः जो उन्नत करने के लिए देखने लगते हैं, आशाएँ पालने लगते हैं। प्लीज सी इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट सेज दैट इन द नाइट टाइम दे अलाउड सिंग दियर सॉन्ग alone there, because there are no other bird to sing, and these songs are listened by the men in an attractive way, and these songs are full of the secret, and then when there is dawn, it means there is morning, the night is finished, and from these the sweet springing meads are the bursting boughs of May, or it means these things are seen there, these things are visible there, and they began to deem, the nightingales began to deem, where the a number of other birds come टू वेलकम द डॉन वेलकम द डे, जबकि दिन का स्वागत करने के लिए अन्य असंख्य संख्या में जो पक्षी आ जाते हैं, एंड द नाइटिंगेल बिगेन टू डीम अगेन टू फॉर दियर एक्सप्रेशन फॉर दियर द फ्यूचर ऑफ लाइफ, भविष्य के जीवन के बारे में वो पुनः स्वप्न देखने लगते हैं और पुनः अपने भविष्य में जो है दिवा स्वप्न में खो जाते हैं। होते मंत्र मुग्ध कान मधुर हमारे गान, होते मंत्र मुग्ध कान मधुर हमारे गान, जोर स्वर गीत भोर पहले जो गाते हैं। होते मंत्र मुग्ध कान मधुर हमारे गान, जोर स्वर गीत भोर पहले जो गाते हैं। खिलती हैं कलियां हरे भरे व फूल फल फूल, उषा काल होते हम सोने चले जाते हैं। खिलती हैं कलियां हरे भरे व फल फूल, उषा काल होते हम सोने चले जाती हैं। जगते हजारों खग मधुर समूह स्वर, स्वागत प्रभात हेतु खुशियां मनाते हैं। जगते हजारों खग लाइन लास्ट लाइन भूल रहे हैं हम जो है, चलिए फिर से रिवाइज कर लीजिए, इतनी डिफिकल्टी कोई ना आ सकेंगे, पुनः रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, कहीं परेशानी फिर से पूछ लीजिए।